हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अंजलि। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैंडविच की रेसिपी। तो आइए देखते हैं सैंडविच के लिए मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। सैंडविच आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, सैंडविच आप शाम के स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। मैंने एक टोमेटो लिया है मीडियम साइज का, उसे भी मैंने चॉप किया है। और एक बड़े साइज का अनियन लिया है, उसे भी चॉप किया है। मैंने गैस पे पैन रख दिया है, उसमें मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड किया है। मैंने फ्लेम को मीडियम पे ही रखा है। अभी ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो गया, मैंने उसमें ऐड किया अनियन। इनको थोड़ा चलाने के बाद मैं बाकी सब्जियां ऐड करूंगी। मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया और साथ ही मैं टमेटो ऐड करूंगी। मैंने इन सब को अच्छे से चला दिया। हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा इनके कलर चेंज होने का वेट करना है। ग्रीन सब्जियों को भी सैंडविच में ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो कैरेट भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैरेट यूज नहीं किया है। मैंने फ्लेम को मीडियम पे ही अभी भी रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक टीस्पून चिली फ्लेक्स। मैंने ये चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्टर किया है। मैंने एक टीस्पून सॉल्ट भी ऐड किया है। थोड़ा सा सारी चीजों को मिलाने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया और मैंने इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। तो वेजिटेबल्स रेडी है हमारे। आइए तैयारी करती हूँ स्प्रेड की। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून चीज स्प्रेड लिया है। आप चाहे तो चीज स्लाइसेस या मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास चीज स्प्रेड था, मैंने उसमें 1 टीस्पून ऐड किया है पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ऐड किया है ओरिगैनो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। लीजिए, एक अच्छा सा स्प्रेड तैयार है हमारा। अभी मैं यहाँ पे एक बोल में 1 स्पून पिज्जा सॉस ले रही हूँ। मैंने थोड़ा और पिज्जा सॉस डाल दिया। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस को मैंने मिक्स कर दिया पिज्जा सॉस में। आप चाहे तो सेजवान चटनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटोज लिए थे जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। जिस पैन में मैंने सब्जियां फ्राई की थी उसी पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। मैंने यहाँ भी ऑलिव ऑयल का ही यूज किया है। मैं डालूंगी इसमें मैश पोटैटोज। मुझे थोड़े बहुत लंप्स दिख रहे थे तो मैं उन्हें अच्छे से मिला दूंगी। मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये रोस्टेड जीरा पाउडर है। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मैं
एक टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पोटैटो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, बॉइल पोटैटोज हैं तो अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप मैशर से मैश कर सकते हैं। लम्प्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये देखिए मैंने गैस ऑफ कर दिया, मैंने इसे भी एक बोल में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी तैयार की है, जो धनिया, पुदीने और ग्रीन चिली से मैंने तैयार की है। मैं ये हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, कभी भी मुझे सैंडविच बनाना हुआ, मैंने पकोड़े बनाए तो मेरे पास ग्रीन चटनी हमेशा अवेलेबल रहती है। मैंने ग्रीन चटनी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दी है अच्छे से। मैं इस पे अब पोटैटोस डालूंगी। अच्छे से एक चम्मच मैंने डालकर स्प्रेड कर दिया। दूसरी वाली स्लाइस पे मैं पिज़्ज़ा सॉस और चिली सॉस से जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो मैं स्प्रेड करूंगी सॉस को। तो बाकी के दोनों स्लाइसेस पे मैंने वो सॉस स्प्रेड कर दिया। अभी वो मैंने स्प्रेड जो तैयार किया था चीज का, पेपर और ओरिगैनो के साथ, वो स्लाइस पे स्प्रेड कर दूंगी। तो दोनों स्लाइसेस पे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। आप चाहे तो चीज स्लाइसेस यूज कर सकते हैं और ओरिगैनो और पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रेड में ही मिक्स कर दिया है। अभी ये वेजिटेबल का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो एक एक स्पून में डाल दूंगी। थोड़ा प्रेस कर दिया मैंने इसे। मैंने दूसरे स्लाइस को ब्रेड के ऊपर रख दिया। लीजिए हमारे सैंडविच तैयार है सैंडविच मेकर में जाने के लिए। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है, आप इसे ग्रिलिंग पैन पे या फिर नॉर्मल तवे पे तैयार कर सकते हैं। मैंने सैंडविच मेकर में बनाया है इसे। थोड़ा सा बटर लगाया मैंने। मैंने सैंडविच मेकर में ब्रेड्स डाल दिए। थोड़ा सा बटर मैं ऊपर से भी डालूंगी। मैंने सैंडविच मेकर ऑन कर दिया है। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया, सैंडविच हमारी रेडी थी, हल्की ब्राउन हो चुकी थी। अगर आपको थोड़ा ज्यादा ब्राउन करना है तो थोड़ी देर के लिए और रहने दें। हमारी सैंडविच तैयार है। मैं इसे पिज्जा कटर से कट कर लूंगी बीच से। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, शाम के स्नैक्स में तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। आप शाम के चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह में मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।